तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं अल्ट ओजी प्रो और फायरबॉल ग्लेडिएटर को, और इनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन दोनों वॉचेस में से कौन सी वॉच आपके लिए बेटर होने वाली है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें बिल्ड एंड डिजाइन की, तो बिल्ड एंड डिजाइन आपको दोनों ही वॉचेस में सेम मिलने वाली है। दोनों में आपको मेटलिक बॉडी मिल जाएगी और दोनों के साइड में आपको क्राउन बटन देखने को मिल जाएगा, और उसके नीचे आपको एक और बटन मिल जाएगा, और बैक में आपको सेंसर देखने को मिल जाएंगे, और एक चार्जिंग पोर्ट आपको इन दोनों के बैक में मिलने वाला है। और दोनों में आपको स्ट्रेप्स मिल जाएंगे, सिलिकॉन स्ट्रेप्स होने वाले हैं दोनों में। बस डिजाइन आपको डिफरेंट मिलेगी स्ट्रेप्स की, जो फायरबॉल ग्लेडिएटर है उसका सिंपल स्ट्रेप होने वाला है। और वही बात करें अल्ट ओजी प्रो की, तो इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेप देखने को मिल जाएगा। और इन दोनों ही वॉचेस की डिजाइन काफी मिलती जुलती है एप्पल वॉच अल्ट्रा से। तो दोस्तों अगर बात करें इनकी बैटरी लाइफ की, तो दोनों ही वॉचेस में आपको सेम बैटरी लाइफ मिल जाएगी, और दोनों ही वॉचेस 2 आवर में फुल चार्ज हो जाएगी। एंड्रॉइड और आईओएस कंपैटिबिलिटी आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाएगी। ब्लूटूथ वर्जन अगर देखिए, तो जो फायरबॉल ग्लेडिएटर उसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और जो अल्ट ओजी प्रो है उसमें आपको ब्लूटूथ V5.2 वर्जन मिल जाएगा। डिस्प्ले की अगर बात करें, तो जो अल्ट ओजी प्रो है उसमें आपको 1.93 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, और एलसीडी टीएफटी डिस्प्ले होने वाला है इसका, और इसमें आपको रेजोल्यूशन 320x280 पिक्सल का रेजोल्यूशन आपको इस वॉच में मिल जाएगा। वही बात करें फायरबॉल ग्लेडिएटर की, तो इसमें आपको 1.96 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, और इसमें आपको एचडी डिस्प्ले मिलने वाला है, और इसमें आपको 240x282 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, और इसमें आपको 500 निट्स की भी ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो इसकी आउटडोर विजिबिलिटी और इंडोर विजिबिलिटी भी काफी अच्छी होने वाली है। तो दोनों ही वॉचेस में आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाएंगे, काफी सारे वॉच फेसेस दोनों वॉचेस में अवेलेबल है। सेंसर आपको दोनों वॉचेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे, SpO2 सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर दोनों में अवेलेबल है। फिटनेस ट्रैकिंग मोड भी आपको दोनों वॉचेस में काफी सारे मिलने वाले हैं। नोटिफिकेशन अलर्ट दोनों में अवेलेबल है। म्यूजिक कंट्रोल आपको दोनों में मिल जाएगा। कैमरा कंट्रोल दोनों में अवेलेबल है। वेदर अपडेट्स आपको दोनों वॉचेस में मिलने वाले हैं। और ये दोनों ही वॉचेस कॉलिंग वॉच होने वाली है, तो दोनों में ही आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाएगी, और ब्लूटूथ कॉलिंग है तो आपको दोनों में डायल पैड मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट सेव आप दोनों ही वॉचेस में कर पाएंगे, और कॉल हिस्ट्री भी आपको दोनों वॉचेस में देखने को मिल जाएगी। माइक दोनों में अवेलेबल है। वॉइस असिस्टेंट आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाएंगे, और दोनों में आपको वॉच स्ट्रैप कंपैटिबिलिटी भी मिलने वाली है। कलर की बात करें, तो जो अल्ट ओजी प्रो है उसमें आपको 5 कलर देखने को मिल जाएंगे, और जो फायरबॉल ग्लेडिएटर है उसमें आपको 4 कलर मिलने वाले हैं। वॉटर रेजिस्टेंस अगर देखें, तो जो अल्ट ओजी प्रो है उसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है, और जो फायरबॉल ग्लेडिएटर है उसमें आपको IP67 सर्टिफाइड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस वॉच को पानी की बूंदों से, डस्ट से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करें इनके हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस में आपको काफी सारे हेल्थ मॉनिटरिंग मिल जाएंगे। हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, स्टेप टेकर, कैलोरीज बर्न, डिस्टेंस ट्रेवल, एक्टिविटी हिस्ट्री, ब्रेथ मॉनिटर, काफी सारे मॉनिटर दोनों में अवेलेबल है। स्पोर्ट्स मोड आपको दोनों ही वॉचेस में 120+ स्पोर्ट्स मोड मिलने वाले हैं। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग एंड रिमाइंडर, तो ये भी दोनों में अवेलेबल है, और वारंटी आपको दोनों ही वॉचेस में 1 ईयर की मिल जाएगी। दोस्तों एंड गाइस, जो अल्ट ओजी प्रो है उसमें आपको QR कोड फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, तो आपकी स्मार्ट वॉच पर आप QR कोड लगा सकते हैं, और उसके जरिए अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो डायरेक्ट आपकी वॉच से ही पेमेंट हो जाएगा QR कोड के जरिए। तो ये फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है अल्ट ओजी प्रो में। एंड गाइस, अगर बात करें दोनों वॉचेस की प्राइस की, तो जो अल्ट ओजी प्रो है ये आपको 2000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगी, और जो फायरबॉल ग्लेडिएटर है ये आपको 3500 रुपीज के आसपास मिलने वाली है। एंड गाइस, मैं आपको दोनों ही वॉचेस रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोनों की प्राइस के हिसाब से दोनों में फीचर्स बेटर है, आप दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही वॉचेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।